दोस्तों अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि रनर को जीप में सिर्फ 5 सेकंड के अंदर लगाया जा सकता है तो शायद आपको यकीन ना हो, परंतु यह एकदम सत्य है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीप में रनर लगाने का एक ऐसा यूनिक आइडिया बताने जा रहा हूं, जिस आइडिया से आप अपने बैग या शर्ट जैकेट या जिसमें भी जीप यानी कि चैन लगा हो और उसमें आप रनर लगाना चाहते हैं या खराब रनर को चेंज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही जीप में रनर लगा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और इसी तरह के नए नए यूनिक आइडियाज वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और मन में कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो जीप है उसमें हम आपको रनर लगा के दिखाएंगे। दोस्तों ये जो दो तरीके से लगाया जाता है, एक तो दोस्तों ये जो चैन है वह बंद है यानी कि लॉक है पहले से, और एक जो चैन है यह खुला है। तो दोस्तों हम दोनों तरीके से किस तरह से आप रन आ सकते हैं दोनों कंडीशन में हम आप, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जीप है दोस्तों उसे थोड़ा कटिंग करके जो आप देख रहे हैं रेसे देख रहे हैं रेसे निकला हुआ है उसे आपको क्लीन कर लेना है। तो हम यहाँ पर जो जीप है दोस्तों उसे बराबर इस तरह से कैंची की सहायता से काट लेते हैं। अब काट लेने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम माचिस लेना है और माचिस की सहायता से इसका जो रेसे और सामने निकला होता है दोस्तों उसे हमें इस तरह से क्लीन कर देना है ताकि दोस्तों हमें इसमें रनर लगाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लीन कर लेने के बाद आपको क्या करना है, ये जो जीप है दोस्तों उसका जो कड़ी है उसे आपको 1 से 2 कड़ी इस तरह से निकाल लेना है, ज़्यादा नहीं निकालना दोस्तों आपको, वो 1 से 2 कड़ी ही इस प्रकार से निकालना है क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर हम एक आइडिया लगाने वाले हैं और दोस्तों वो आइडिया है इसमें कि हम सुई और धागे की सहायता से वहाँ पर एक धागा लगाएंगे। दोस्तों धागा आप किसी प्रकार का धागा ले सकते हैं, वह थोड़ा मजबूत होना चाहिए ताकि उसको आप इसमें लगाकर खींच सके। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो धागा है उसमें हम ये जो 2 कड़ी इधर खोलें दोस्तों, वहां पर आपको ये जो पहले कड़ी खोलें उसके ऊपर हमें इस प्रकार से धागा लगा लेना है। दोस्तों आपको धागा लगाते समय किसी भी लंबाई पर आप धागा लगा सकते हैं अपने हिसाब से, 5 इंच 6 इंच। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम दूसरे वाले छोर में भी धागा लगा लेते हैं जैसे हमने पहले वाले सिरे में लगाए हैं उस प्रकार से दूसरे वाले सिरे में भी धागा लगा लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये जो जीप है उसके दोनों सिरे में इस प्रकार से लगा ले हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कैंची की सहायता थोड़ा कट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने इस धागे को कैंची की सहायता कट कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार से ये जो जीप है उसके दोनों सिरे में धागा लगाया है। तो आपको इस तरह धागा लगा लेना है जो लॉक वाला चैन है उसमें। तो उसके बाद दोस्तों हम ये जो खुला वाला चैन है उसको हम पहले वाले की तरह इस तरह से इसका जो रेसे है उसे क्लीन करेंगे और माचिस की सहायता से अच्छे से इसे क्लीन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम पहले वाले जो चैन में हमने धागा लगाए थे उसी तरह से हम इसमें भी धागा लगाएंगे। दोस्तों अगर आपका जो बैग का जीप होता है उस लास्ट वाले सिरे को जो सिलाई होता है उसको आपको खोल लेना है इस तरह से, और खोल लेने के बाद आप इस तरीके को आजमा सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर पहले वाले की तरह इसको भी धागा लगाकर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने किस तरह से इसमें जो चैन के दोनों सिरे में हमने धागा लगा लिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस तरह से तैयार कर लेने के बाद आपको सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही इसमें आप रनर लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, ये जो लॉक वाला चैन है जो पहले से लगा हुआ है अगर आप इस तरीके से इसमें रनर लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये जो रनर है दोस्तों उसको पीछे की तरफ से यहाँ पर फंसाना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो रनर का पीछे वाला जो भाग है उधर से आपको इस तरह से यहाँ पर फंसाना है, और ये जो धागे दोस्तों आपको दोनों तरफ से दोनों सिरों से इस तरह से ऐसे फंसा लेने हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने किस तरह से जो रनर है उसको ये जो जीप है उसमें लगाए हैं, और इस तरह से आपको खींच कर इस चैन को आपको 5 सेकंड के अंदर ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमने इसमें धागा लगाया, और धागा लगाने के बाद ये जो रनर है दोस्तों वह तुरंत ही लग गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने चैन में रनर लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको क्या करेंगे, ये जो खुला वाला चैन है दोस्तों उसमें आप किस तरह से रनर लगा सकते हैं हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दोनों सिरे में इसका धागा लगा लिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो रनर है दोस्तों उसके आगे की तरफ से आपको ये जो जीप है उसको आपको फंसाना है। तो दोस्तों आप देख सकते ये जो रनर है उसके आगे वाले जो सिरे हैं वहाँ से आपको पहले एक एक करके लगाना है। तो दोस्तों आपको पूरा नहीं घुसाना है, इसका जो आधे भाग है उसको आपको इस तरह से घुसाना है, और ये जो धागा है दोस्तों उसको इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। और इसी प्रकार से दोस्तों ये जो चैन है उसका जो दूसरा सिरा है उसको भी इस तरह से इसका आधे भाग को लगाना है, और धागे को इस तरह से
पकड़ना है। और दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस धागे को पकड़ना है और ऐसे इस तरह से खींच रहे हैं तो आपका जो रनर है दोस्तों वह आसानी से लग जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हमने खींचा और ये जो हमारा रनर है इसमें लग गया। मगर दोस्तों आप यह सोच रहे होंगे कि हमारा जो रनर है वह तो लग गया मगर इसमें जो चैन है वह वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसका क्या कारण हम आपको बताते हैं। दोस्तों इसका कारण यह है कि ये जो रनर है दोस्तों उसका जो पीछे वाला भाग होता है वह अनबैलेंस हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम एक प्लायर लेंगे और प्लायर की मदद से जो पीछे वाला हिस्सा है दोस्तों ये जो रनर का उसको हल्की सी आपको दबाना है। आपको ज़्यादा नहीं दबाना है दोस्तों, अगर आप ज़्यादा दबाते हैं तो टूट सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने चैन का अगर कोई रनर इस तरह से वर्क नहीं कर रहा हो तो आप इस तरह से प्लायर की मदद से उसे इस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह आइडिया पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।